स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब दे स्पेशल प्रोग्राम पंजाब विशेष दे विच। पंजाब विशेष दे विच अज गल करांगे नवजोत सिद्धू दी जिन्हां वल्लों प्रधान बनन तो बाद कैप्टन नाल मुलाकात की गई है ते मुलाकात दे विच सिद्धू दे नाल चार कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा, सुखविंदर डैनी, संगत सिंह गिलजिया, पवन गोयल मौजूद रहे। दस दिए कि यह बैठक एक अहम बैठक मनी जा रही है। प्रधान बनन तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात करन चंडीगढ़ सकत्तरेत दे विच पहुंचे ने, जिथे कैप्टन दे नाल उन्हां वल्लों मुलाकात की गई है। दस दिए कि नवजोत सिद्धू वल्लों पंज नुक्ता मंग पत्र कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं सौंपिया गया है, जिस दे विच वख-वख मंगां ने पंजाब दे कम्मां दे लई ते पंजाब वासियां दे लई। ते अज दी इक वड्डी अपडेट सीगी जदों नवजोत सिंह सिद्धू शाम वेले कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मुलाकात करन पहुंचते हैं। एक फॉर्मल मुलाकात हुंदी है जिस दे विच नवजोत सिद्धू एज अ प्रधान वजो उत्थे पहुंचते हैं ते नाल अपने चार कार्यकारी प्रधान भी लैके जाते हैं। ते अज मुलाकात के दौरान नवजोत सिद्धू ने कैप्टन नूं पंज नुक्ती मंग पत्र दिता, जिस च पंजाब दे कम्मां दा जिक्र किया गया। 18 नुक्ती एजेंडे दे विचों सिद्धू ने पंज नुक्ती मंग पत्र अज ही कैप्टन नूं दे दिता है, जिस च पहली मंग बेदबी ते कोटकपुरा बैबल कलां गोलीकांड मामले च इंसाफ दी है अते नशा तस्करी नूं लैके जो एसटीएफ बनाई गई है उस दी है। ते नशा तस्करी ये पहली मंग नवजोत सिद्धू वालों की गई है कि बेदबी ते कोटकपुरा बैबल कला गोलीकांड मामले च इंसाफ की गल की गई है। तो दूसरी मंग नशा तस्करी लई बनाई एसटीएफ की रिपोर्ट च दर्ज दोषियों नूं सज़ा दवाने की गल की गई है। तो तीसरी मंग पंजाब सरकार खेती कानूनों नूं सिरे तो नकारे कि किसानों के हक के जिहड़े खेती कानून जो खेत पंजाब सरकार खेती कानूनों के विरुद्ध खड़ी होवे ते किसानों के हक के नाल किसानों के नाल हमेशा खड़ी होवे। ते पंजवीं मंग पंजाब च धरने ते बैठिया 20 जथेबंदियां दे मसले जल्द हल होण। दस दिए कि 20 जथेबंदियां दे विच डॉक्टर, बेरोजगार अध्यापक, लाइनमैन, सफाई कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वाले वर्कर, ये सारे जो पंजाब के वख-वख जिलों के विच प्रदर्शन कर रहे हैं। कई पटियाला दे विच सीएम सिटी दे विच ही धरने ते बैठे हुए ने। और वाली मंगा लैके उन्हां दीआं मंगां मसले हल कीते जाण। ते पंजवीं मंग ये भी है कि जिहड़े पीपीए पावर परचेस एग्रीमेंट पुरानी सरकार अकाली दल सरकार वालों किए गए से उन्होंने जल्द तो जल्द रद्द किया जाए। यह पांच नुक्तों का जिहड़ा मंग पत्र है जो नवजोत सिंह सिद्धू वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दिता गया है। जिहड़ा हाईकमान का 18 सूत्री एजेंडा उसनूं भी पूरा किया जा रहा है और तुसीं देख रहे हो पार्टी और सरकार के बीच बाखूबी तालमेल बिठाया जा रहा है। अज नवजोत सिंह सिद्धू जी अपनी टीम के नाल उन्होंने कुछ सुजैशन दी हैं और उस दे नाल नाल उन्होंने चार्ज लैन तो बाद मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त किया है और जिन्हें भी मुद्दे है उन्हें जल्दी हल कर लिया जाएगा। ते जिहड़े पांच पॉइंट रखे ने मैं तुहानूं कहा पंजे पॉइंटां ते काम सरकार कर रही है। पहला समय लगदा नहीं सी क्योंकि इन्हां ने सिद्धू ने भी जिक्र कराया कि 2017 दा प्रॉमिस है। मैं तुहानूं इह कहा कि भाई अजे 6 महीने पए है ना साडे कोल, 5 साल दा साडा मैनीफेस्टो है और मैनीफेस्टो दे विच जिन्ने भी साडे मुद्दे है असीं हर बिंदू नूं टच कर रहे हैं, हर एक नूं पूरा कर रहे हैं। देखो मैं तुहानूं इह गल कहां भाई वो हाई कोर्ट के मामला सुप्रीम कोर्ट के है, मेरा ख्याल कोर्ट उन्होंने देख रही, मैं तो कोई कमेंट नहीं। मैं तुम्हें कह भी कोर्ट के मामला है, इसका मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। जवाब भी मंगया जाएगा जी, उसका जवाब भी मंगया जाएगा जेकर चीज़ा पूरी नहीं होंगे क्योंकि एज ए प्रधान हो मुख्यमंत्री देखे गए लैटर जारी प्रधान सिंह भाई यदा जवाब कहता मंगना। वो कांग्रेस का प्रधान आ, कांग्रेस का प्रधान है, कांग्रेस की एडवाइजरी है और उन्होंने जड़ा एडवाइज कांग्रेस के प्रधान ने किया है उसनु सरकार बिल्कुल ध्यान देगी, जिहड़ियां चीजा हो सकदियां जरूर करेगी। ਵਿਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ ਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੀ।
ते हुण गल करदे आ खेती कानूनां दी, जिस दे विरुद्ध सुखबीर बादल ते हरसिमरत कौर बादल ने संसद बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीबी बादल ने कहा कि संसद विच सरकार खेती कानूनां उत्ते चर्चा नहीं कर रही ते उस तो भज रही है। इस दे नाल ही बादल ने कहा कि वह किसानां दे नाल ने ते सरकार नूं किसानां दी आवाज़ सुननी चाहीदी है। देखिए, ये सरकार के बहाने हैं। पूरे बजट सेशन से शुरू होकर आज तक, आज सातवां दिन है जब से यह सदन बैठा है, और सात दिन लगातार हर रोज मैं एडजॉर्नमेंट नोटिस दे रही हूं कि आप बाकी बातें बंद करके, जो 550 किसान मर गए, रोज मर रहे हैं, आप पहले उस पर चर्चा करिए। किसानों के ये जो हालात पैदा हुए हैं, जहां हमारे पूरे राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि डिस्टेबलाइज एक राज्य को कर रहे हैं, और एक से दूसरे से तीसरे गाली गलौज पे उतर आए हैं, झूठे जवाब देके बोलते हैं कि कोई मरा ही नहीं है किसान आंदोलन में। सो ये झूठ बोल रहे हैं। जी, इन्होंने चर्चा करनी होती तो एडजॉर्नमेंट मोशन एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? मैं ही नहीं, कई पार्टियां दे रही हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में हर एक पार्टी ने उठाया था, लेकिन चर्चा ये करना देना चाहते नहीं है। नहीं तो नोटिस एक्सेप्ट करें, चर्चा बढ़ेगी और हाउस चलेगा। ये हाउस चलाना तो उनका दायित्व होता है, लेकिन ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। आपने 8 महीने से किसानों को मीटिंग पे ऊपर मीटिंग पे बुला के उनको बहाने लगा के टाइम टपाते गए, अब वही टाइम आप यहाँ पे टपा रहे हैं। जोर जबर से आप वॉइस वोट के साथ अपना बिल पास करें जब पूरा हाउस ऑर्डर में नहीं है, ये शर्मनाक बात है। लोगों का, करोड़ों का रोज पैसा, टैक्स पेयर का नुकसान हो रहा है। ये आपने सिर्फ अपने बिल पास कराने के लिए हाउस चलाना है और डेमोक्रेसी का आपने मजाक उड़ाना है, तो फिर ये डिक्टेटरशिप सरकार चलानी तो क्यों? ये नया पार्लियामेंट किस लिए बना रहे हैं? बंद कर दीजिए, फिर जब पार्लियामेंट बैठेगी नहीं, लोग के मुद्दे एमपी उठा ही नहीं सकते, तो नया पार्लियामेंट क्या करना है? गरीबों में बांट दीजिए ये पैसा। ये हम देश के हरेक किसान के साथ, बहुजन समाज पार्टी, श्रोमणी अकाली दल देश के किसान के साथ खड़ी है। जहां भी, जिस देश में, जिस राज्य में किसान के ऊपर पीड़ा आएगी, हम लोग उसके हक में खड़ेंगे। हमारा तो किसानी राज्य है, हम सब कुछ हमारा किसान पे निर्भर है, पंजाब का। सो किसानों के लिए हमने तो अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया किसान के हक में खड़े होने के लिए, और यही कारण है कि 13 महीने पहले जब से ऑर्डिनेंस आए, श्रोमणी अकाली दल इनको समझाती रही, हमें विश्वास दिया गया, जैसे किसानों को 13 मीटिंगों में विश्वास दिया, आओ बात करें, हल करेंगे, ऐसे ही हमारे साथ करते थे। ना किसानों का साथ हल किया, ना हमारे साथ हल किया, हमने तो आखिर में इनको छोड़ दिया। ड्रामा सेंटर सरकार दा बहाने ला रही है कि सेक्शन चल नहीं रहा, इस करके असि डिस्कस नहीं कर रहे। श्रोमणी अकाली दल BSP ने हर रोज एडजॉर्नमेंट मोशन दिता है। एडजॉर्नमेंट मोशन का मतलब ही है कि वो डिस्कशन शुरू हो जाए, पर वो करने तैयार नहीं। हर रोज जे वो सिंसेयर होंगे, साडा एडजॉर्नमेंट मोशन क्यों नहीं लगन देंगे? आ एक ड्रामा है सरकार का। तो मैं कल भी अपील की सी सारिया पार्टिया नूं कि आपां कट्ठे होके एक मुद्दा रखिए, दो मुद्दे नहीं। अफसोस इस गल दा है, कई ओपोजिशन पार्टी, मैं ना नहीं लेना चाहुंदा, जो बहुत वड्डियां है, वो 2 MPs नूं तां साडा किसानां दा मुद्दे वास्ते कह दिंदियां, ते बाकी सारे MP अपने लीडर नूं बचाउण वास्ते जां होर मुद्दियां ते खड़े हो जांदे आ। जदों उन्होंने, जो सेंटर दी सरकार देखदी है कि ओपोजिशन डिवाइडेड है, उहदा फायदा लै रही है। इस करके मैं बेनती करना सारी पार्टी के MPs नूं कि आपां कट्ठे इक मंच, इको एजेंडा, आपां इको ही गल कहिए पार्लीमेंट दे विच कि असीं जदों तक किसानां दी डिमांड नहीं मीट हुंदी, जदों तक काले कानून वापस नहीं हुंदे, उदों तक असीं कुछ नहीं चलन देना। साडे सारयां दा इको एजेंडा इस पार्लीमेंट च है, किसानां दे कानून वापस करने। आ एजेंडा सारियां ओपोजिशन पार्टी नूं बनाउणा चाहीदा है। आप जो डिवाइड हो जाने हैं, उसका फायदा सेंटर सरकार ले रही है। मैं वो ही बोल रहा हूँ, अपने मुद्दा एक होना चाहिए। अगर उन्होंने प्रोटेस्ट करना है, पर करें किसानी पे, और चीजों में मत करें, वो डिवीजन बोल रहा हूँ। हम सब एक मुद्दे पे, किसानी के मुद्दे पे प्रोटेस्ट करें, और एक बात से बोले कि हम पार्लियामेंट तब चलने देंगे जब ये कानून वापस होंगे। उधर ही खेतीबाड़ी मंत्री तोमर के बयान से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार संधवा ने पलटवार किया है। संधवा ने कहा कि तुसी कह रहे हो किसानों को प्रपोजल नहीं है, जबकि किसानों का प्रपोजल सीधा है कि 3 खेती कानून रद्द किए जाए।
तोमर साहब जिहड़ी किसानां ने दवाई दित्ती सी तुहानू बंगाल दे विच उन्हें पूरा असर किया ते दवाई तुहानू ये पंजाब दे विच भी रोज दे रहे आ हरियाणे दे विच तां असर ज़्यादा ही हो गया तुहाडे जहाज भी नहीं उतरदे असर जिवें टकैत साहब कहिंदे आ यूपी च भी होगा वह 3 साल का कोर्स आ पूरा जिहड़ी गल तुसीं कहिंदे ना किसानां कोल प्रपोजल कोई नहीं हुण तुहानूं भजदिआं नूं राह नहीं लभदा देश नूं तुसीं कारपोरेटां दे हत्थ वेचण दी जिहड़ी साजिश घड़ी सी ना उहदा समां रहिंदिआं पर्दा फास हो गया ते किसान जागरूक हो गए जिवें अंग्रेज भजाए उवें तुहाडी भी अकल टिकाणे लिआउणगे इह सो वार वार झूठ फैलाउण दी कोशिश ना करो कि इहनां कोल प्रपोजल कोई नहीं प्रपोजल सिद्धा कि 3 काले कानून जिहड़े डैथ वारंट है उन्हां 'च सोध नहीं हुंदी ओह वापस किए जाते तुहानू वापस करने पैणगे ते सारियां फसलां दे जिवें हरेक चीज़ ते कारखाने 'च बनी चीज़ ते MRP हुंदा उस तरह MSP फसलों पर सारिया फसलों पर सारे देश तुहानू देना पवेगा उस तो बिना तुहानू राह कोई नहीं और लोग गुमराह होने कोई नहीं। तो किसान अंदोलन दौरान शहीद होए किसानों के परिवारों को पंजाब सरकार वालों नौकरियां देने का ऐलान किया गया। इसकी जानकारी देते हुए राजकुमार वेरका ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों एक कदम चुकया गया है तो वेरका ने कैप्टन के इस काम की शलाघा की है। बई मुख्यमंत्री जी ने किसानों का सच्चा हमदर्द होने का सबूत दिता है। उन्हें पहले भी कई बारी ये इम्तिहान दे विचों पास होए है मुख्यमंत्री और ये मैनू हैरानगी इस गल दी है कि साढ़े किसानों ने हरियाणा की धरती ते दम तोड़िया साढ़े किसानों ने दिल्ली की धरती ते दम तोड़िया लेकिन ना तो दिल्ली की सरकार ते ना हरियाणे की BJP की सरकार किसी ने किसानों नूं ना मुआवजा दिता ना बांह फड़ी। मुख्यमंत्री जी ने ये किसानों की बांह फड़ के ये सच्चे हमदर्द होने का ये अपना सबूत पेश किया है और मैं ये भी गल कहां कि उन्होंने जिथे 220 के करीब किसानों दी लिस्ट है उन्होंने नौकरियां दीयां चिट्ठियां तैयार हो रही और वो नाल नाल उन्होंने तमाम जिले के डिप्टी कमिश्नर नूं कहता है कि होर भी जिहड़े किसान जिन्हां शहादत दित्ती है उन्होंने परिवारों दीयां लिस्टां जल्दी भेजो ताकि उन्होंने परिवारों को नौकरियां दित्तियां जा सकन उन्होंने मुआवजा दिता जा सके। तो उधर ही हरियाणा च OP चौटाला ने केंद्र सरकार से हमला करते हुए कहा कि खेती कानूनों के विरोध 36 जातियां के लोग इस धरने च शामिल ने ते किसान अंदोलन च सारिया जातियां ते धर्मां दे लोगों का समर्थन है जबकि केंद्र सरकार चुने हुए लोगों लिए काम करना चाहिए है। तो नाल ही चौटाला ने कहा कि देश की आर्थिकता खेतीबाड़ी ते टिकी हुई है जो किसान खुश नहीं तो देश भी खुश नहीं है। तो ये 3 काले कानून है और ये पहला अवसर है इन काले कानूनों के विरोध में इस कृषि प्रधान देश के 36 जात के लोग इकट्ठे हैं। नाम को तो ये किसान आंदोलन है लेकिन इस आंदोलन के समर्थन में हिंदू सिख मुसलमान ईसाई हरिजन बैकवर्ड व्यापारी कर्मचारी कारखानेदार मजदूर किसान और कमेरा राज सत्ता के अलावा समूचे देश के लोग इकट्ठे हैं कि नहीं है? सभी इकट्ठे हैं ना? मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रहे आप। मैं जिस मकसद के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं मैं उसी की चर्चा कर रहा हूं और यही प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि इन कानूनों के विरोध में आज सभी जाति के लोग इकट्ठे हैं कि नहीं?
ते बीते 8 महीनों तो किसान अपनी हकी मंगा लैके दिल्ली दियां बरूहां ते डटे हुए ने। किसानां दे हकां दी आवाज़ बुलंद करदिआं अकाली ते बसपा गठजोड़ ने सूबे भर च रोस मुजहरा किया। जिलों के डिप्टी कमिश्नर नूं मंग पत्र भी सौंपे। दस दिए कि अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ते बीबी बादल भी संसद के बाहर खेती कानूनों लैके प्रदर्शन कर रहे हैं। आ तस्वीर तुसी देख रहे हो स्क्रीन ते जलंधर तरन तारण अमृतसर ते मलेरकोटला दियां ने जिथे खेती कानूनों के खिलाफ अकाली दल बसपा सरकार वालों प्रदर्शन किया गया केंद्र सरकार खिलाफ। फिलहाल पंजाब विशेष में इन्ना ही। तमाम खबरों लई जुड़े रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब के नाल।